हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बड़े होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेक डिजाइन विद विमल में। तो चलिए चलते हैं, आज का टॉपिक है हमारा ऑटो कैड 2D ड्राइंग प्रैक्टिस एक्सरसाइज। अटैच फाइल को ओपन करते हैं। ये हमने एक एग्जांपल कॉपी कर लिया यहाँ से, फुल पाथ और स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन, ओके करेंगे। और उसके बाद ये देखिए हमारा जेड एंटर ए एंटर, ये हमारा आ चुका है। आज ये हमें बनाना है। यहाँ देखिए, सबसे पहले एक सर्कल दिया हुआ है यहाँ, दो स्ट्रेट लाइन पर ओरिजेंटल में, और ऊपर है सर्कल। सर्कल के अंदर भी सर्कल दिए हुए हैं यहाँ, और ये भी। इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो ये सर्कल को हम पहले एंगल पे लाइन खींचेंगे, उसके बाद सर्किल को कॉपी कर देंगे, वहाँ पे सर्किल बना देंगे जहाँ ये टच करेगा। और दूसरा मेथड ये है, इसको यह एरे से बना सकते हैं हम। एरे का यूज मैं अभी बताऊंगा आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में, आज तो मैं कॉपी कमांड से इसको बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ देखते हैं, ये एक सेंटर लाइन दी है इस सर्किल से, ये सेकेंड सर्किल। ये सर्किल का डायमीटर 16 यूनिट है, और इसका हो गया 20। तो इनके बीच के जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो कितने, 40। एक लाइन लेंगे, लाइन एल एंटर, एफ एट करेंगे, 40। 40 + 40 कितना हुआ हमारा, 80। 80 तो 80 की हमारी एक लाइन हो चुकी है। यहाँ बनाएंगे एक सर्किल, सी एंटर, डी एंटर और 16 एंटर। सेकंड हमारा कितना है, 22। सेकंड पर हमारा हो जाएगा 22। तो ये हमारे दो सर्किल आ चुके हैं। अब इसके बाद क्या बोलता है, ये जो बड़ा वाला सर्किल है नीचे का, इस सर्किल का सेंटर और इस सर्किल के सेंटर से कितने डिस्टेंस है, 34, 34। और सेम ऊपर है, 34 हमारा ऊपर, 34 नीचे। तो क्या करेंगे, इस लाइन को हम कॉपी कर देंगे, एंटर करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और ऊपर कर देंगे 34 एंटर। सेम हम नीचे कर देंगे 34 एंटर। ओके फ्रेंड्स, ये आ गया। अब क्या बोलता है, इस सर्किल के सेंटर से 40 इस साइड है और इससे 40 इस साइड, मीन्स मिड पॉइंट हो गया ये, और सेम हमारा ये है एज इट इज। तो क्या करेंगे हम, एक लाइन लेंगे इसके मिड पॉइंट से खींच देंगे, ये लाइन होगी हमारा मिड पॉइंट। ओके दोस्तों, अभी इस सर्किल का डायमीटर कितना है, 36 इस सर्किल का हमारा डायमीटर है, ये जो अंदर वाला सर्किल। और जो बाहर वाला आउटर सर्किल है उसका कितना है, 58। तो दो सर्किल बनाएंगे हम यहाँ, सी एंटर, डी एंटर 58, और सी एंटर, डी एंटर 36 एंटर। तो अब ये देखते हैं, जो अंदर वाला सर्किल है उसका डायमीटर कितना दिया हमें, 8। और सर्किल कितने हैं, ये हमारे 6 सर्किल है। तो 6 सर्किल मीन्स ये 360 का डिवाइडेड बाई 6, तो हमारा एंगल पे कितना हुआ, 60 डिग्री के एंगल पर हो गए। ओके फ्रेंड्स, तो 60 डिग्री, ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पहला सर्किल हमारे यहाँ हो जाएगा, सी करेंगे, सी एंटर, डी एंटर 8 एंटर, ये हो चुका हमारा। अब क्या करना है, देखिए ये हमारा यहाँ जैसे ये दिया हुआ है टॉप पर, इसके 180 यहाँ पर है, ये मीन्स 90 डिग्री है, इस लाइन से यहाँ से ये 90 डिग्री है। तो हमें क्या करना है, 30 इधर करना है, वो सॉरी 60 इधर करना है, 60 इधर। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से ये हमारा एंगल दिया हुआ है, इसके क्लिक करेंगे, ये 30 डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का, ओके करेंगे, लाइन लेंगे यहाँ से, ये देखिए 30 डिग्री के एंगल पे हमारे ये ग्रीन कलर की लाइन आ जाएगी, ये 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री मतलब ये इस लाइन से और इस लाइन के बीच का 30 डिग्री एंगल, और इस लाइन से इस लाइन के बीच का कितना हुआ, 60 डिग्री। सेम हम इसको क्या करेंगे, इसको हम मिरर कर देंगे, सेलेक्ट किया, MI एंटर करेंगे, लाइन करेंगे मिरर, जिसके ऑब्जेक्ट मिरर करना ये हो जाएगा हमारा एंटर। अब सेम ये क्या करेंगे, सेम नहीं करना, अब क्या करना है, ये सर्किल हमें कॉपी करना है, CO एंटर, ये पिक पॉइंट लेंगे, सेंटर पॉइंट यहाँ रख देंगे, और यहाँ अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, इनका हमारे पास यूज नहीं है। अब ये 3 सर्किल है, तीनों सर्किल को फिर से सेलेक्ट करेंगे, कॉपी कर देंगे, मिरर करेंगे सॉरी, MI एंटर करेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट एंटर। तो ये हमारा बन चुका है मिरर, ये हमारा नीचे का पार्ट तो इसमें आ गया है। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करना है हमें, सेम एज इट इज हमारा ऊपर करना है, लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं,
लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ तो नीचे थे 6 सर्किल और यहाँ कितने हैं 8 सर्किल। तो 8 सर्किल क्या करना है अब इसमें, यहाँ से देखिए 8 सर्किल से अगर हम डिवाइड करते हैं 360 को तो 45 डिग्री का एंगल आएगा हमारा। तो क्या करेंगे उसके लिए, सबसे पहले हम ये और ये जो 2 सर्किल है अंदर के, इन दोनों को हम कॉपी कर लेंगे, सी ओ एंटर, सेंटर पॉइंट उठाएंगे और ये हम यहाँ रख देंगे यहाँ। तो अब क्या करना है, अब देखिए 1 सर्किल क्या दे रहा है, फर्स्ट और फर्स्ट मीन्स 90 90 डिग्री के एंगल पर दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, सर्किल को 1 सर्किल को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों सर्किल को हम क्या करेंगे कॉपी कर लेंगे, सी ओ एंटर, पिक पॉइंट ले लिया हमने, ये हो गया। अब क्या करना है, इस सर्किल को कॉपी करेंगे, सी ओ एंटर, ये हो गया फर्स्ट और सेकंड, 4 सर्किल हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, 4 सर्किल और चाहिए हमें, तो एक काम करेंगे उसके लिए हम इस लाइन को रोटेट कर देंगे 45 डिग्री पर, आर ओ एंटर करेंगे, आर ओ पिक पॉइंट हमने सेंटर पॉइंट ले लिया, अब एंगल क्या देंगे 45, ये हमारा 45 डिग्री का एंगल आ चुका है। अब इस लाइन को फिर से मिरर कर देंगे, एम आई एंटर फर्स्ट और सेकेंड एंटर, ये आ चुके हमारे 8 एंगल हो जाएंगे, 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा, सी ओ एंटर करेंगे सर्किल, ये अनयूज लाइन को अब हम डिलीट कर देंगे, सेम यहाँ से डिलीट कर देंगे, ये देखिए इस सर्किल का हमारे पास यूज नहीं है अब, ये जो क्या है हमारा ये इतना पार्ट हो चुका है। अब क्या करना है, देखिए इसमें ये दे रहा है नीचे का, ये बाहर का जो सर्किल दिया इसकी रेडियस कितनी दी हमें 20, और इधर भी ये 20 दी हुई है, तो हम क्या करेंगे एक सर्किल और बनाएंगे, सी एंटर देंगे, और रेडियस हमारे पास है 20 एंटर, ये हो गया सेम 20 एंटर, ये हो गया। अब क्या करना है, यहाँ देखिए ये जो दे रहा है यहाँ, ये जो रेडियस है R15, ये रेडियस दिया है 15, ये जो बाहर का सर्किल है ये कैसे बनेगा, इसका सेंटर पॉइंट हमारे पास नहीं, तो ये क्या है, ये जो अपर वाला सर्किल और ये राइट वाला सर्किल है इन दोनों के टेंजेंट है, 15 रेडियस दी हुई है इसकी। तो क्या करेंगे हम, सर्किल पे जाएंगे, होम पे जाएंगे, होम से सर्किल पे जाएंगे, 10 10 रेडियस, ये इस सर्किल के टेंजेंट है और इस सर्किल के टेंजेंट है, और रेडियस हमें दी हुई है, तो सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड को, उसके बाद रेडियस दे देंगे 15 एंटर, देखिए ये आ चुका है। अब सेम एज इट इज हम इन बाकी तीनों पर कर देंगे, क्या करेंगे उसके लिए फिर से टेंजेंट टेंजेंट रेडियस सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट टेंजेंट सेकंड टेंजेंट और रेडियस सेम सेम, यहाँ हम सेम यहाँ भी हम वही करेंगे, और दिस आल्सो। ओके फ्रेंड्स, अभी जो अनवांटेड पार्ट है ये हम ट्रिम कर देंगे, TR डबल एंटर, ट्रिम की शॉर्टकट की है, एंटर और ट्रिम, ये TR डबल एंटर, ये हमारा ट्रिम हो चुका जो है। ओके अब ये जो हम यहाँ से डिलीट करते हैं, अब देखिए जो क्या क्या रह चुका है इसमें, ये जो सर्कल दिया हुआ है इसने, ये अंदर का भी पार्ट इसने डिलीट किया हुआ है, सॉरी ये हमने यहाँ से गलत कर दिया है, ये हमें लाइन टेंजेंट है और इस सर्कल के भी टेंजेंट है, हमें यहाँ सिर्फ यहाँ से टेंजेंट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम ये सर्कल को डिलीट कर देंगे, आपके जो बची है हमारी इसको, अब एक लाइन लेंगे, लाइन लेने के बाद अब हमें क्या करना है, ये बोला इस पे फर्स्ट पॉइंट, हमें ये इस पे फर्स्ट पॉइंट नहीं देना, तो इसके लिए क्या करेंगे TAN टेंजेंट करेंगे, एंटर करेंगे, उसके बाद ये लाइन हमें जहाँ चाहिए जिस सर्किल पे होगा सेलेक्ट, कहीं भी कर लो सर्किल पे, हम वहाँ से हमें टेंजेंट हो जाएगी। अब सेकेंड क्या करना है हमें, सेकेंड भी हमें टेंजेंट करना, तो फिर से कर देंगे TAN एंटर, फिर से हमारे टेंजेंट सेलेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब सेम हमें इस साइड भी यही करना है, लाइन लेंगे टेंजेंट TAN एंटर सेलेक्ट करेंगे, TAN एंटर, तो ये जो है हमारी टेंजेंट हो जाएगी आर्क पर, ये जो सर्कल दिया है इसकी बाउंड्री बाहर बाहर परिधि पर सर्कमफेरेंस पर, ये हमारी टेंजेंट हो जाएगी। अब बाकी को अनवांटेड पार्ट को ट्रिम कर देंगे TR डबल एंटर, ये ट्रिम हो चुका है। अब ये भी हमें ट्रिम करना है, देखिए एनोटेट में जाएंगे, डायमेंशन डायमेंशन सबसे पहले क्या करेंगे हम, लीनियर लीनियर में क्या करना है हमें, सर्कल का सेंटर और तीस सर्कल पे सेंटर, ये अब ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारी डायमेंशन बहुत छोटी है, तो इसके लिए हम फिर से वहीं जाएंगे, डी एंटर करेंगे, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ मॉडिफाई, मॉडिफाई से
ये हमारा प्राइम, पहले प्राइमरी ट्यून को हम 0 पे यहाँ सेट कर देंगे। उसके बाद फिट फिट में हम क्या कर देंगे, इसको इंक्रीज कर देंगे, 10 कर देते हैं हम। ओके करेंगे, सेट करंट क्लोज। अब ये देखिए हमारा जो डायमेंशन आ चुके हैं इसकी, अब सेम हम डायमेंशन देंगे इस सर्कल से, इस सर्कल के सेंटर तक की डिस्टेंस हमारी 40। ओके अब देखिए हमें रेडियस देनी है, रेडियस के लिए ये जाएंगे हम, ये जो आर्क दी थी इसकी रेडियस हम यहाँ दिखा देते हैं, और इसकी रेडियस 20। अब हम क्या दिखाएंगे, डायमीटर, डायमीटर इस सर्कल का डायमीटर 22 है और इसका डायमीटर 56, ओ सॉरी 58 डायमीटर है। अब इसका भी दिखा देंगे 58, और इसका 16, और इसका कितना है 8, और इधर ये भी 8 का डायमीटर है। अब ये हमारी रेडियस रह चुकी है इसकी, ये है 20 की रेडियस, 20 ये हो गई। अब एक चीज रह गई इसमें, हमने ये जो सर्किल यहाँ से डिलीट कर दिया तो उसको फिर दिखाना होगा, तो क्या करना होगा उसके लिए, सी एंटर करेंगे, ये हमारा सी, और ये क्या करेंगे, ये सर्कल का सेंटर है। और अब इसके बाद क्या जाएंगे हम, डायमीटर पे जाएंगे, डायमीटर हो जाएगा हमारा ये 36, इसको अब हम कर देंगे डिलीट। ओके फ्रेंड्स, ये हमारी इसकी डायमेंशन हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।